Hello students. Welcome to Suraj Group. Today we are going on our topic three questions. Okay, let's start our three questions. Now start our chapter three questions. Okay. This is the chapter of in this book is honeycomb, and this is your first chapter. थ्री क्वेश्चन इसमें थ्री क्वेश्चन में बेटा थ्री मेन करेक्टर हैं एक आपका किंग दूसरा हमेट एंड थर्ड एनीमी ओके इसमें हम चैप्टर को आपको शॉर्ट उसमें बताएंगे मीन्स इसमें एक राजा होता है जो अपनी सफलता पाने के लिए क्या करता है कि उसको ये अगर ये जो थ्री क्वेश्चन हैं अगर इनका वो जवाब पा ले तो मेन वो लाइफ में मेन आगे सफलता प्राप्त कर सकता है असफल नहीं होगा फर्स्ट आपका क्वेश्चन है किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय सेकंड आपका है उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए और थर्ड है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है ये तीनों क्वेश्चन के आंसर पाने के लिए राजा ने जो अपने राज्य में किंगडम में क्या अपने मैसेंजर संदेश भाग को भेज दिया और तो लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चन का आंसर राजा ने कहा कि जो भी इन क्वेश्चन के आंसर आंसर देगा तो वो उनको इनाम बहुत सारा धन इनाम में देगा इस तरह से पूरे राज्य से जो बुद्धिमान थे बहुत सारे जो प्रसन्स आने लगे और आंसर देने लगे लेकिन राजा क्या देखता है कि सब ने तीनों क्वेश्चन के अलग अलग आंसर दिए किसी ने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कि राजा को एक उचित समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसको अच्छे से पालन करवाना चाहिए स्ट्रिक्टली से ताकि लोग कुछ ने कहा कि नहीं ये बात सही नहीं है इस तरह से पता नहीं क्या क्या एक क्वेश्चन का आंसर आया इसी तरह सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया सेकंड आपका क्वेश्चन था कि उन्हें किन लोगों की बात सुनने लगे किसी ने कहा कि पुजारी की बात सुननी चाहिए किसी ने कहा किसी की बात में इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी अलग अलग आया लेकिन राजा उन सब से सेटिस्फाइड नहीं हुआ इसी तरह आपके थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर इसी तरह से आया कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है सब ने कहा कि जो साइंस है साइंस आज युग है तो इसलिए साइंस ही जो है वो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है तो उससे रिलेटेड उसको वो काम करने चाहिए लेकिन राजा इन किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ